उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से आए दिन तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी स्कूल के मिड डे मील में कीड़े तो कभी शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिलती है। इसी कड़ी में इन दिनों जनपद हमीरपुर का एक स्कूल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि ये स्कूल ऐसा है जहां शिक्षक स्कूल के गेट पर ताला लगाकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों स्कूल की गेट पर ताला लगाकर होती है पढ़ाई, आइए जानते हैं। दरअसल मामला जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय लोदीपुर नेवादा का है, जहां दो अनुदेशकों ने विद्यालय का माहौल खराब कर रखा है, जिसका असर सीधे बच्चों के शिक्षा पर पड़ रहा है। अनुदेशकों की अराजकता के चलते विद्यालय के स्टाफ बच्चों सहित विद्यालय में कैद होकर शिक्षण कार्य करने को मजबूर हैं। दोनों अनुदेशक अभिलाषा और पूजा की अराजकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो स्कूल आने वाले बच्चों को गेट पर से ही भगा देती हैं और साथ ही स्कूल के शिक्षकों को भी भद्दी भद्दी गालियां देती हैं, जिससे पूरा स्कूल परेशान है। कौन मैडम है जो परेशान कर रही है? क्या कहते हैं? कहते हैं क्यों आना जाओ। कहाँ, स्कूल नहीं जाओ? अच्छा, और क्या कहते हैं? कभी ताला तोड़ते हैं, कभी अल्लाह बचाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र ने बताया कि इन दोनों अनुदेशकों का पद सृजन हमारे विद्यालय में नहीं है, फिर भी ये जबरन हमारे विद्यालय में ही आना चाहती हैं, जिसको लेकर हमने उन्हें कई बार समझाने की भी कोशिश की पर वो नहीं मानी और आए दिन स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को परेशान करती हैं, जिसको लेकर हमने थाने में भी शिकायत की पर मामला स्कूल का है इसलिए थाना प्रभारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर निपटाने की बात कही। 2023 को मूल विद्यालय के अनुदेशक, दोनों बहनें थी खेल के अनुदेशक थी, वो यहाँ से मूल विद्यालय के लिए कार्यमुक्त हो गई। किसी भी विद्यालय में, तो मेरे विद्यालय में पद सृजन नहीं, इनका पद सृजन ना होने के बावजूद जबरन ये धरने पे बैठी थी। 18 जनवरी 2018 को धरने पे बैठी थी। उसके दबाव में प्रशासन ने जबरन मेरे यहाँ इनको लगा दिया। फिर महानिदेशक महोदय का जब आदेश आया कि इनको अपने मूल विद्यालय भेजना, तो मूल विद्यालय भेज दिया गया, लेकिन वो मूल विद्यालय न जाकर यहीं आतंकी जबरदस्ती विद्यालय आना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, हमारे विद्यालय का माहौल इसलिए बहुत ख़राब हो रहा है। 325 संख्या हुआ करती थी हमारे विद्यालय की, कंपोजिट विद्यालय मेरा, तो उस विद्यालय में अब 140 बची हैं। इस तरह से बच्चे नाम कटा रहे हैं। और ऐसे में जहां एक ओर प्रदेश सरकार शत प्रतिशत नामांकन कराने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल में शिक्षकों की चल रही आपसी खींचतान से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जिस स्कूल में कभी बच्चों की संख्या 350 होती थी, अब वो संख्या घटकर 140 हो गई है। बहरहाल मामले की जांच BSA द्वारा की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।